नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। देश की लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करने के लिए हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया था और उस संविधान में मौलिक अधिकारों का साफ तौर से जिक्र किया गया और ये सुनिश्चित कर दिया गया कि भारत के नागरिकों को जीवन जीने और बोलने का अधिकार भी है। लेकिन क्या भारत में आज वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जीवित है या फिर कहीं ना कहीं उस पर चाहे अनचाहे रोक लगाए जाने की कोशिश की जा रही है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। कल यूपी में एस्मा यानी कि आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। यह कदम कितना सही है, क्योंकि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ संविधान विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक मिश्रा जी, उनसे भी इस चर्चा में उनकी राय जानेंगे। तो दिलीप जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। किस तरह से देख रहे हैं आप अभिव्यक्ति की आजादी को और जिस तरह से सोशल मीडिया को लेकर भी एक हंगामा इस देश के अंदर मचा हुआ है कि सरकार कह रही है कि अभिव्यक्ति की कोई आजादी छीनी नहीं जा रही है, जबकि फेसबुक और ट्विटर ये सब जो हैं वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, जो नए कानून लाए गए हैं उसको लेने से इनकार कर रहे हैं या फिर कह रहे हैं उसमें बदलाव करिए। और दूसरी तरफ एस्मा भी लागू कर दिया गया है, यानी कि सरकारी जो कर्मचारी हैं वो अब हड़ताल नहीं कर पाएंगे, अपनी बात नहीं रख पाएंगे, अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो वो कहाँ जाएंगे, किससे बात करेंगे, ये बड़ा सवाल है। हिमांशु जी, आपने दो सवालों को मिक्स करके पूछा है, मैं दो सवालों को पहले अलग अलग कर दूं। एक, एस्मा का लागू होना, जो एक अलग कानून है, एसेंशियल मैनेजमेंट एक्ट है, सेंट्रल का भी है, स्टेट का भी है, और दूसरा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये दो अलग अलग बातें हैं। जहाँ तक एस्मा लागू करने की बात है, तो एस्मा सेंट्रल और स्टेट दोनों की लिस्ट में आता है और ये तब लागू किया जाता है जब किसी सर्विस के ना होने की वजह से पब्लिक इन जनरल की लाइफ इफेक्ट होती हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ पर किसी सर्विसेज के ना होने की वजह से पब्लिक इन जनरल यानी कि आम जनता की लाइफ पे कोई फर्क पड़ जाता हो, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता हो, उसको रोकने के लिए एस्मा लागू किया जाता है। जैसे डॉक्टर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं, आज की डेट में मान लीजिए जो कोविड की स्थिति है उसमें अगर डॉक्टर्स स्ट्राइक पर चले जाते हैं तो जो स्थिति है उससे ज्यादा भयावह हो जाएगी। या जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो अगर स्ट्राइक पे चला जाए, तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए एस्मा उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। और ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कहीं से भी नहीं है, क्योंकि जो स्ट्राइक होती है, स्ट्राइक करना फंडामेंटल राइट नहीं है, स्ट्राइक करना एक लीगल राइट है। और स्ट्राइक को कोई बहुत कानूनी अमलीजामा नहीं पहनाया गया है, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है या जो ट्रेड यूनियंस एक्ट है उसमें स्ट्राइक का जिक्र किया गया है। स्ट्राइक फंडामेंटल राइट नहीं है और स्ट्राइक का फ्रीडम ऑफ स्पीच से लेना देना भी नहीं है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी पे भी लागू होती है और फंडामेंट जो स्ट्राइक होती है, स्ट्राइक जनरल नेचर की नहीं होती। स्ट्राइक एक स्पेसिफाइड कम्युनिटी के लोगों के द्वारा एक स्पेसिफाइड व्यक्ति से अगर कोई दिक्कत होती है तो कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अक्सर वकील स्ट्राइक पे चले जाते हैं, डॉक्टर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट स्ट्राइक पे चला गया, बिजली विभाग के कर्मचारी स्ट्राइक पे चले गए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग स्ट्राइक पे चले गए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग अगर स्ट्राइक पे बैठेंगे तो वो पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं बैठेंगे, उनकी शिकायतें, उनकी अपने सर्विस को लेकर के शिकायतें, या उनके साथ अगर कोई अन्याय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा होगा जो उनका एम्प्लॉयर है, उसके साथ वो या उसके अगेंस्ट में वो स्ट्राइक पर बैठेंगे। तो ये जो एस्मा लागू किया गया है, एस्मा को मैं कहीं भी गलत नहीं देखता हूं और इसको मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच से जोड़ करके भी नहीं देखता हूं। एस्मा इस समय इसलिए लागू करना सरकार की मजबूरी रही होगी, सरकारी कर्मचारी है और हमको दिक्कत हो रही है, हमारे अधिकारी भी अगर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और एस्मा लागू कर दिया गया है, तो हम कहां जाएंगे, किससे बात करेंगे, क्या करेंगे? हिमांशु जी, दो बातें हैं, एक किसी व्यक्तिगत कर्मचारी को दिक्कत होना और एक कर्मचारी इन जनरल सबको दिक्कत होना। स्ट्राइक पर आप तब जा सकते हैं जब एक ही दिक्कत पूरे विभाग को हो जाए। अभी हमने देखा जैसे केजीएमयू में जो काम कर रहे थे कुछ लोग, वो स्ट्राइक पर जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको निकाल दिया गया है वहां से। उनका ये तर्क है कि हमसे कोविड काल में काम करवाया गया, उसके बाद अब हमको निकालकर बाहर किया जा रहा है, हमारी तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है, तो ऐसे में वो कहां जाएंगे?
नहीं तो इसके लिए वो कोर्ट को अप्रोच करें, जो लेबर कोर्ट्स हैं उनको अप्रोच करें। स्ट्राइक पर जाना इसका समस्या का समाधान नहीं है। देखिए एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अगर कोई बात है और उनका एम्प्लॉयमेंट डिसकंटिन्यू कर दिया गया, तो दैट मीन्स वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट पर थे। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट पे थे तो उनके कॉन्ट्रैक्ट की कोई ना कोई शर्तें रही होंगी। उन शर्तों को लेकर के अगर मेडिकल विभाग कोई इलीगैलिटी कर रहा है तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, लेबर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, बट स्ट्राइक पर जाना ये समस्या का समाधान नहीं है। मैंने कहा कि देखिए स्ट्राइक होता है जहां पर इन जनरल सबको वही दिक्कतें हो, पूरे सारे डॉक्टर्स को अगर मान लीजिए पब्लिक मारपीट करती है एक डॉक्टर के साथ में, हो सकता है उस डॉक्टर का भी दुर्व्यवहार रहा हो, उस डॉक्टर के मारपीट हो जाने की वजह से पूरा किट पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी स्ट्राइक पर चली जाए, ये कहीं से भी वैलिड नहीं कहा जाता है। एस्मा इसी को रोकने के लिए लगाया गया कि इन जनरल को इफेक्ट ना पड़ने पाए। आज मान लीजिए डॉक्टर स्ट्राइक पर चले जाएं या पैरामेडिकल स्टाफ स्ट्राइक पर चला जाए तो मरीजों का क्या होगा, कोविड में हालत वैसे ही खराब है, फिर उनका क्या होगा, फिर वो जो लोग मरेंगे उन लोगों की मौत जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी। तो ये एस्मा ऐसा लागू भी होना तो हो कहीं से सकता है गलत कि नहीं है। अगर अगर लोग अपनी आवाज उठाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कमियां हैं और जो उनके अधिकारी हैं उच्च अधिकारी हैं वो अगर बात नहीं सुन रहे हैं तो फिर वो कोर्ट को अप्रोच करें, ना कि राइट जो है वो धरना प्रदर्शन करने लग जाएं। तो इन जनरल तो हमेशा ही इसको लागू रहना चाहिए फिर तो, क्योंकि नहीं, दिक्कतें ऐसा तो नहीं होता है। ये देखिए सिचुएशन, क्योंकि देखिए अभी इमरजेंसी पेंडेमिक सिचुएशंस जो है सिचुएशन वो है, हमेशा नहीं बाद में होती भी है। अगर इन जनरल अगर देखें तो भी दिक्कतें खड़ी हो सकती है। पेंडेमिक में तो दिक्कतें मान सकते हैं, चलिए खड़ी हो सकती है, लेकिन इसके अलावा भी तो आम जिंदगी में अगर हम देखें वो धरने पर चले जाएंगे तब भी तो दिक्कतें होंगी। हाँ दिक्कतें जरूर होंगी, लेकिन ये जो समय है ये समय क्रूशियल टाइम है। इस समय आप खाने को रोक देंगे, मेडिकल सर्विसेज को रोक देंगे, दवाओं को रोक देंगे, ऑक्सीजन को रोक देंगे, या किसी तरीके से उनको सप्लाई को ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे तो आम जनजीवन पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो ये एस्मा जो है वो ऐसे ही किसी पिक्यूलर सिचुएशंस में लगाया जाता है। आप ठीक कह रहे हैं कि इंप्लॉयज को दिक्कत हमेशा हो सकती है और इंप्लॉयज के पास रास्ते नहीं बंद हैं, वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। कोर्ट के लिए कोई मनाही नहीं कि वो कोर्ट नहीं जा सकते, वो स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, इसके लिए उनको मनाही हो रही है बस। ठीक है, अभिषेक मिश्रा जी आप क्या कहेंगे एस्मा को लेकर, उसके बाद मैं सोशल मीडिया पर भी आता हूं। अभिषेक मिश्रा जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आपकी आवाज आ रही है, जी मैं जो आपके दूसरे वो उनको नहीं सुन पा रहा था, यशवर्धन जी को, कि उन्होंने क्या कहा वो तो मैं नहीं जानता, जी पर जहां तक यहां पर बात अभिषेक जी बात एस्मा को लेकर हो रही है। 6 महीने के लिए एस्मा को बढ़ाया गया है, सरकारी कर्मचारी अब 6 महीने तक स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे किसी भी तरह से, इसको लेकर आपका क्या वक्तव्य है, उसके बाद मैं सोशल मीडिया पर जो हंगामा है उस पर आता हूं। देखिए एस्मा की जहां तक बात है तो एस्मा एक्ट को लाया गया था कि कभी कोई बहुत विशेष आपातकाल की स्थिति हो तो आपातकाल की स्थिति में आप अचानक से स्ट्राइक करके कोई चीज को मना ना कर पाओ, इसलिए ये एक्ट लाया गया था। लेकिन इस एक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को बंधुआ मजदूर बना देंगे। ये एक्ट इसलिए नहीं बनाया गया था कि आप बंधुआ मजदूरी या शोषण करना शुरू कर देंगे। ये एक्ट स्पेशली युद्ध की स्थिति में अचानक से कोई बाढ़ डिजास्टर की पोजिशन बन जाए तो डिजास्टर की पोजिशन में, युद्ध की पोजिशन में आप स्टेप बैक ना कर पाए कि आप छोड़कर नौकरी चल दिए कि नहीं हम नहीं करेंगे, या आप स्ट्राइक पर चले गए कि नहीं हम हड़ताल कर रहे हैं, या आप अपनी इलीगल डिमांड शुरू कर देंगे कि ये आप मानेंगे तो हम काम करेंगे वरना हम काम नहीं करेंगे। तो इस तरह की पोजिशन के लिए लाया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था या इस कानून को लाने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि किसी का आप शोषण करने लग जाए या इस कानून को बना करके आप किसी से बंधुआ मजदूरी करने लग जाए। आपने अगर आपातकाल में जब आपको कोई नहीं मिल रहा था आपने लोगों से काम लिया है, काम कराया है, तो आज अचानक से आप उसको थ्रो बैक कर दें एकदम से कि नहीं अब जाओ काम खत्म, तो ये सरकार का काम तो नहीं है ना। ये एक एक कल्याणकारी सरकार की बात जो कही जाती है, जो एक राज्य सरकार की बात कही जाती है, जो एक फंडामेंटल राइट की बात कही जाती है, जो विधि का शासन रूल ऑफ लॉ की बात कही जाती है, ये रूल ऑफ लॉ तो नहीं हो सकता, ये इक्वलिटी तो नहीं हो सकती, ये तो शोषण है, या जिसको आप कहते हैं कि बनिए की दुकान की तरह सिस्टम है कि जब लेकिन तक उसको लेकिन जरूरत नहीं हो जो सकती। जो अदालतें हैं वो इसका निवारण कर सकती हैं। दिलीप जी ने इस बात का जिक्र किया कि अदालत जाने से किसी ने नहीं रोका है, लीगल टर्म में आप जो कार्रवाई करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, उसको रख सकते हैं। तो फिर इसको लागू अगर ये किया भी गया है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं देखिए दो अलग अलग चीजें हैं, अदालत का अपना एक अलग काम है और अदालत की एक अलग प्रक्रिया है, ठीक है। हड़ताल करना, विरोध करना, अभिव्यक्त करना, किसी चीज की क्या विरोध जताना, ये एक अलग विषय है, और संवैधानिक उपचारों को प्राप्त करना वो एक अलग विषय है। कोर्ट जाएंगे,
ताऊ कोर्ट में आज प्ली आएगी, कल सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी, फिर आप अपना उसका जवाब का जवाब दाखिल करेंगे, फिर आर्ग्यूमेंट होगी, फिर उसका जजमेंट आएगा, दो तीन साल लगेगा। लेकिन अगर मैं एग्रीड हूँ किसी पर्टिकुलर एक्शन से तो मैं अपनी बात नहीं कह सकता। आप मुझसे मुझे पैसा, मैं आपके किसी रूल, किसी नियम, किसी कानून, किसी कंडीशन से एग्री नहीं हूँ, और मैं कह रहा हूँ नहीं साहब इसका तो मैं विरोध करूंगा। और विरोध में जो सबसे मतलब सबसे स्ट्रांग अपोजिशन हो सकती है, मैं वो स्टेप लूंगा। और उस स्टेप में अगर ये है कि नहीं मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो आप जबरदस्ती काम कराएंगे ऐसा के तहत, तो ये तो डंडा प्रक्रिया हो गई कि हम डंडे के बल पर काम कराएंगे, तो आपको कोतवाली, ये तो मतलब थानेदार और कोतवाल का काम होता है इस तरह से काम करने लेना। ये एक लोक कल्याणकारी सरकार का काम नहीं है। लोक कल्याणकारी सरकार का काम है कि अगर एम्प्लॉइज में कोई विरोध है, कोई रोष है, तो आपके कंसर्निंग जो जो विभाग का मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी है या आपने उसको ACS कह रखा है, उसके थ्रू वार्तालाप की जाए, उस विभाग का मिनिस्टर अपना इंटरफेरेंस दे, या मुख्यमंत्री खुद बात करें, उनके जो उनका जो जो उनकी यूनियन है, उन यूनियन के जो प्रेसिडेंट वगैरह हैं, उनसे उनकी डिमांड रखी जाए। एक बार्गेनिंग होती है, चीजें आपको लगती है कि हाँ इस हद तक मानी जा सकती है, वो मानी जाती है। डिमांड्स को भी देखना की जरूरत होती है, डिमांड्स है क्या। आप बिल्कुल इलीगल डिमांड्स है तो वो एक अलग विषय होता है, लेकिन कम से कम आप एक प्लेटफॉर्म तो देंगे, आप बातचीत तो करेंगे। ये क्या है कि अगर कोई आपका आपकी बात मानने को तैयार नहीं है तो आप ऐसा लगा देंगे, आप कहेंगे नहीं अब काम करो नहीं करते तो वो बंद कर देंगे। व्हाट इज दिस, ये गवर्नमेंट का काम है। मतलब थाने के कोतवाल की तरह कि मेरा ये कहना मानो, ये कबूल करो जुर्म, वरना अभी मैं तुमको ये रास्ता लगा दूंगा, अभी मैं तुमको मारना पीटना शुरू कर दूंगा, इसलिए वो जुर्म कबूल कर लेता है। तो इसलिए आप मतलब हम रोष है, हमें गुस्सा है, हम आपकी बात से सहमत नहीं है, लेकिन हम कह भी नहीं सकते क्योंकि आप ऐसा लगा देंगे। क्योंकि इधर ऊर्जा विभाग के जो लोग हैं वो भी प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है ऊर्जा विभाग को लेकर जाया जा रहा है, तो ऐसे में उनके कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दिलीप जी आपके पास आना चाहूंगा, सोशल मीडिया पर बड़ा हंगामा मचा हुआ है अभिव्यक्ति को लेकर, जो उसकी आज़ादी है बोलने की, या फिर उसकी जो बातें हैं जो वो सोशल मीडिया पर शेयर करता है वो कम से कम कॉन्फिडेंशियल रहें, वो ज़्यादा स्प्रेड ना हो अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं उसको लेकर भी, और जो बातें सार्वजनिक रूप से रखी भी जा रही हैं उसको लेकर भी, वो कम से कम उस व्यक्ति को परेशान ना किया जा सके अगर वो सोशल मीडिया पर अपनी बात को रखता है। लेकिन इसको लेकर जो सरकार की तरफ से नियम कायदे कानून लाए गए हैं उस पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, ये सब कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं, इसमें बदलाव करने की बात कर रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? हिमांशु जी, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आप कर रहे हैं, तो भारतीय संविधान में ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 में हमें अपनी बात को सही तरीके से रखने से, शांतिपूर्ण तरीके से रखने की आज़ादी है। वो बात हम चाहे लिख के रखें, कह के रखें, पोस्टर छपवा के रखें, मीडिया के थ्रू रखें, बोल के रखें, एक्शंस के थ्रू रखें, किसी भी थ्रू रखें, इस बात की हमें पूरी आज़ादी है। और सरकार इस समय जो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है उसको मैं सहमति नहीं देता हूँ, उसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए आज़ादी पर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। आजादी पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, जो फंडामेंटल राइट्स है उन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कर्व किया जा सकता है, लेकिन उसकी कुछ सिचुएशन भी संविधान में दी हैं कि जब हमारे देश की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को खतरा हो जाए, किसी पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की बात आ जाए, डिसेंसी और डेकोरम मेंटेन करना हो, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहीं हो रहा हो, या जो हमारे रिलेशंस हैं किसी फॉरेन कंट्रीज के साथ, या हमारी जो कहीं से कोई व्यवहार खराब हो रहा हो, ये सारी सिचुएशंस में हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर कर्व लगा सकते हैं। लेकिन इन जनरल अगर कोई व्यक्ति सरकार से नाराज है और अपनी नाराजगी को व्यक्त करना चाहता है तो ये रेस्ट्रिक्शंस की कैटेगरी में नहीं आता है, और अगर सरकार इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाह रही है तो मैं ये कहूंगा कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रही है, हमसे छीन रही है। तो लगातार और सबसे बड़ी बात यह है हिमांशु जी कि जब सरकार से मैं नाराज होऊंगा मैं तभी सरकार के खिलाफ आवाज उठाऊंगा ना, तो अगर आम जनता किसी बात को कह रही है, मैं पॉलिटिकल सिचुएशंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल व्यक्तियों की या पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम जनता की बात कर रहा हूं, और आज कोविड सिचुएशन में सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर के मैं खुश नहीं हूं, या मैंने उन अव्यवस्थाओं को झेला है, और उस बात को अगर मैं सोशल मीडिया पे कह रहा हूं तो ये कहीं से गैर कानूनी और असंवैधानिक नहीं है, और अगर इसको सरकार रोकती है तो ये मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन है।
लेकिन दोनों तरफ है ना, कुछ लोग ऐसा हैं जो भड़काने की कोशिश करते हैं। जैसे कानून क्या कहता है, कानून ये कहता है कि कोई भी अगर चीज पोस्ट की जाती है तो उसका जो मेन सोर्स है यानी कि जो व्यक्ति जिसने सबसे पहले उस चीज को डाला है उसकी जानकारी रखनी होगी, और वो अगर सरकार चाहे तो ले सकती है। तो ऐसे में उसका उपयोग भी है और दुरुपयोग भी है, क्योंकि अगर देश के खतरे के लिए जैसे टूलकिट जैसी चीजें सामने आ रही हैं, ये चीज अगर किसी ने शुरू की है तो कम से कम उसका पता लग पाएगा। लेकिन यहां पर ये भी सवाल है कि अगर मान लीजिए किसी ने सही बात को डाला है, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी सही तरीके से की है, आम जनता के हक में की है, कोई खबर डाली है या फिर कुछ भी अपनी बात रखी है, तो उसका पता लगाकर उसको डराया धमकाया भी जा सकता है। तो दोनों पक्ष हैं, किस पक्ष नहीं, हिमांशु को जी, आप भारी मान पा रहे हैं? हिमांशु जी दो बातें हैं। एक तो जो आपने टूल किट का या किसी इंफॉर्मेशन को फ्लोट करने का मामला बताया सोशल मीडिया पे, तो ये फंडामेंटल राइट्स के पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कवर हो जाता है। इसको हम साइबर क्राइम की परिभाषा में लेते हैं कि अगर आपने कोई फेक न्यूज स्प्रेड कर दी या कोई ऐसी न्यूज स्प्रेड कर दी जिसकी वजह से कम्युनल राइट्स हो जाने के आसार हैं, या पब्लिक में किसी तरह का न्यूसेंस हो जाने के आसार हैं, या जो लॉ एंड ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो जाने के आसार हैं, या आपस में पीस डिस्टर्ब या किसी का मुठभेड़ हो जाने के आसार हैं और उस न्यूज की अथेंटिक सोर्स नहीं है, आपने दुर्भावना से ही इस बात को आगे बढ़ाया है, तो ये आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में कवर नहीं होता है और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत साइबर क्राइम माना जाता है। और ऐसे साइबर क्राइम पे सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, उसको इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है और उसको प्रोसिक्यूट भी कर सकती है। ठीक है, जो संविधान में आजादी दी गई है अभिव्यक्ति की, उस अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब है कि आप अपनी बात को कहें, जो कमियां आपको लग रही हैं उन कमियों को आप कहें, चाहे वो कमियां सरकार की हों, चाहे वो कमियां कानून की हों, चाहे वो कमियां किसी की भी हों, लेकिन उसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। आप किसी को भड़काने के मुद्दे से ना चल रहे हो, आप पब्लिक को लड़ाने के मुद्दे से ना चल रहे हो, आप कम्युनल राइट्स कराने के मुद्दे से ना नहीं, चल रहे हो, कैटेगराइज्ड अगर आप कैसे सत्य को होगा? दिखाना चाहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अभी दिल्ली में जो पोस्टर्स लगाए गए थे कि मोदी जी हमारी वैक्सीन को आपने विदेशों में क्यों भेज दिया, इसके ऊपर केंद्र सरकार ने कार्रवाई कर दी, मैं इसको गलत मानता हूं। मेरी मुझे मुझे दिक्कत थी, मैंने सवाल पूछा और मैं सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछूंगा और सरकार उसका जवाब क्यों नहीं यही देगी। चीज सरकार यशवर्धन जी, यही कुर्सी पे चीज है कि बैठी है, सरकार की कैटेगराइज्ड जवाब कैसे दे ही है, करेंगे? और ये बहुत साधारण सा सवाल था, नहीं, इसमें ना यही तो चीज है सरकार कि को गाली दी कैटेगराइज्ड थी, कैसे ना करेंगे? प्रधानमंत्री जी को अपशब्द गवर्नमेंट कहे के गए थे लिए, और ना किसी कानून का उल्लंघन किया गया था। नहीं वही चीज है ना पोस्टर कि लगाए गए थे, गवर्नमेंट के पोस्टर लिए लगाने की क्या आजादी सही मुझे है मेरा क्या संविधान गलत देता है है। उसकी और डेफिनेशन दूसरी है, लेकिन दूसरों के लिए, पत्रकारों के लिए, आम जनता के लिए वो चीज दूसरी है, विपक्ष के लिए वो चीज दूसरी है। जो गवर्नमेंट के लिए हो सकता है कोई अगर वो बात कह रही हो तो गवर्नमेंट अपने अपने दृष्टिगत वो बात रख रही हो, लेकिन विपक्ष के लिए, आम जनता के लिए हो सकता है उसका नुकसान हो रहा हो। तो फिर कैसे कैटेगराइज्ड करेंगे, ये जो रेखा है कैसे खींचेंगे कि क्या गलत है क्या सही है, और इसका निर्णय करेगा कौन? सरकार अगर निर्णय करने पर आ जाएगी तो वो अपनी मनमानी करेगी ना फिर? नहीं, सरकार को तो निर्णय करने का अधिकार भी नहीं है। अगर कहीं कोई लीगल डिस्प्यूट है तो उसका निर्णय तो अल्टीमेटली हमारी ऑनरेबल कोर्ट से करती है और कोर्ट ही करेंगी। सरकार तो कानून बनाती है, कानून बनाकर वो पब्लिक पे इम्पोज कर देती है। अगर पब्लिक को उससे दिक्कत है तो वो कोर्ट में उसको ऑब्जेक्ट करे, कोर्ट को लगेगा गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है, तो वो उसको डिक्लाइन कर देगा। बट सरकार सरकार ऑर्डर नहीं जारी, सरकार पब्लिक ऑर्डर तो जारी कर सकती है लेकिन किसी कानून को लेकर के कंप्लायंस कैसे हो ये बता सकती है। ठीक है, लेकिन अगर संविधान सरकार हमारे फंडामेंटल राइट्स को रोकना चाह रही है तो उस रोकने को वाजिब ठहराना या गलत ठहराना ये डिसीजन तो कोर्ट ही लेगी और ठीक कोई है, नहीं ले ठीक है, सकता ठीक है। है। अभिषेक जी, संबित पात्रा का एक ट्वीट आता है जिसको ट्विटर कहता है ये मैनिपुलेटेड है। तो ऐसे में क्या होता है, दिल्ली पुलिस पहुंच जाती है गुरुग्राम में जो ट्विटर का ऑफिस होता है वहां पर नोटिस लेकर। लेकिन इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं मैनिपुलेटेड ट्विटर के द्वारा। बहुत सारे जो ट्विटर यूजर हैं उनकी ट्वीट्स को कहा गया है, बताया गया है, अकाउंट्स को बंद किया गया है और उनके ट्वीट्स को डिलीट करवाया गया है। तो ये चीजें तो बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन अब क्योंकि सरकार के एक नेता प्रवक्ता के पास उनके साथ ऐसा हो जाता है तो फिर अब कानून याद आने लगते हैं। हालांकि ये कानून फरवरी में लागू किए गए थे, 26 तारीख को लागू होने थे, लेकिन अब पूछा जा रहा है, अब जो है कार्रवाई हो रही है। लेकिन इससे पहले ना पूछा जा रहा था, ना अभिव्यक्ति की आजादी की चर्चा हो रही थी, जब दूसरे लोगों के ट्वीट डिलीट करवाए जा रहे थे, उन पर प्रेशर बनवाया जा रहा था।
यही तो बात है ना, काफी हद तक दिलीप जी ने बात बताई ना कि अभी प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की योजना की आपने जो है वैक्सीन विदेशों में क्यों भेज दी, उसको लेकर के लीगल एक्शन स्टार्ट कर दिया गया। तो सवाल ये है कि ये लोग अपने सत्ता के अहम में इतना चूर है कि अपना रेजिस्टेंस पावर बिल्कुल है ही नहीं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये टॉलरेट करना ही नहीं चाहते। मतलब अब इनके इनके प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनके ट्वीट डिलीट हो गया, ये सरकार के ईगो की बात आ गई ना यहाँ पर, उसका अहंकार को ठेस लग गई, इसलिए ट्विटर के ऑफिस में भी रेड डालना शुरू कर दिया गया। अभी ट्विटर ने कहा साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा कि हमको अपने इम्प्लाइज को भारत में रखते हुए डर लगता है। आप कहते हो कि ट्विटर सरकार को बदनाम करना चाहता है, अभी तक तो सिख समुदाय बदनाम करता था क्योंकि वो खालिस्तानी थे, मुस्लिम आपको बदनाम करता था क्योंकि वो पाकिस्तानी और आतंकवादी थे, अब ट्विटर आपको बदनाम करना चाहता है, अब ट्विटर को भी आप आतंकवादी बता दीजिए। ट्विटर कोई विपक्ष है देश का, ट्विटर विधायक सांसद है, सदन में बैठता है, क्यों आपको बदनाम करना चाहेगा वो? मतलब आप हकीकत सुनना भी नहीं चाहते, आप कुछ भी करें। अभी किसी ने सरकार जब ये कहती है कि चलिए ठीक है हम जो है अगर छूट भी दे रहे हैं, चलिए ठीक है ट्विटर पर सब लोग अपनी बात को रखेंगे, अभिव्यक्ति की आजादी है, हर कोई अपनी बात को रखेगा, फिर उसका अगर जब फायदा उठाया जाता है, मान लीजिए देश के विरोध में कोई आवाज जो है खड़ी कर दी जाती है, फिर हालांकि सरकार ये कहती है कि सरकार को बदनाम करने के लिए, लेकिन मैं यहां पर भारत का पक्ष लेकर चल रहा हूं, सरकार मतलब भारत, तो भारत के पक्ष में अगर बात करें तो कोई ऐसी आवाज अगर खड़ी होती है तो फिर जवाबदेह ट्विटर को होना चाहिए, वहां पर तो जवाबदेही होगी, लेकिन इस जवाबदेही के चक्कर में कहीं ना कहीं वो आवाजें भी दबा दी जाती हैं जो सच होती हैं। तो ये जो कैटेगराइज्ड करने वाली जो परिस्थिति बन रही है, ये कैसे सुधरेगी, इसमें कैसे सुधार होगा, इसके लिए कोई नियम कायदे कानून बनने होंगे? जी मैं बता रहा हूँ, सारे नियम कायदे कानून बने हुए हैं हिमांशु जी, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। ये इस जो नया टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी से सिर्फ और सिर्फ ये प्राइवेसी को ही तो हैक करना चाहते हैं लोगों की, ये माइंडसेट को ही तो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आगे की स्ट्रेटजी बनाए उस हिसाब से सिर्फ यही चल रहा है। अदरवाइज जो बातें ये कह रहे हैं वो आपने क्राइम साइबर क्राइम एक्ट बना रखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना रखा है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बना रखा है, इसके अलावा आईपीसी में इंडियन पेनल कोड में ऑलरेडी देशद्रोह के खिलाफ सेक्शन है जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा है, फांसी तक के प्रोविजन है कि आप चाहें तो फांसी दे सकते हैं। सवाल है कि जब आपका साइबर क्राइम खुद बना हुआ है, एक सेकंड के लिए आप ट्विटर और फेसबुक को छोड़ दीजिए, आपका अपना साइबर क्राइम बना हुआ है, आपका आपका अपना आईटी सेल है, जो मतलब आईटी सेल से मेरा समझ है कि गवर्नमेंट का जो आईटी एक्ट बना है उसके साइड जो उनकी उनके जो ऑफिसर्स हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं वो ऑलरेडी इन सारी न्यूज को जो जो देश हित से संबंधित न्यूज है या कोई हिंसा फैलाने वाली बात है या कोई रूमर गवर्नमेंट के खिलाफ फैलाने, उसके लिए ऑलरेडी आपने सारे कानून बना रखे हैं, तो आप उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? क्या समस्या है आपको एक्शन लेने में? कौन सा ऐसा आप बताइए, कोई एक ऐसी चीज बताइए जिसके लिए आपके पास छोटी छोटी बात पर, किसी ने अभी बहुत जल्दी ही मुख्यमंत्री जी को पर एक टिप्पणी फेसबुक पर कर दी थी तो आपने उसके खिलाफ एनएसएता लगा दिया। तो ये मतलब वहां आपके साथ सारे प्रोविजन खुले हैं और यहाँ आप कह रहे हो ट्विटर से एक्चुअली क्लैश कहाँ पर है? क्लैश है कि आप कहते हो कि हमें फर्स्ट ओरिजिनेटर चाहिए, फर्स्ट ओरिजिनेटर को पकड़ने के लिए उसको कैच करने का मतलब है कि वो सारे रिकॉर्ड को अपने पास मेंटेन रखे, तब तो पता लगेगा कि कहां से ये कैसे आगे स्प्रेड कैसे हुआ। तो फर्स्ट ओरिजिनेटर रहा, फिर उसने किसको भेजा, फिर उसने किसको भेजा, अगर वो उसको स्टोर करे इसका मतलब, तो स्टोर करने में देखिए कानून, हर कोई भी कानून इस देश में बना है, सबके अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं, हर कानून के थोड़े बहुत नुकसान है, हर कानून के थोड़े बहुत फायदे हैं, आपको लार्जर इंप्लीमेंट देखना पड़ेगा कि लार्जर इंटरेस्ट कहाँ है। अगर आज आप इस कानून को बना देंगे तो हम फोन का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल आम आदमी भी करता है जिसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी वाइफ से भी अपने फोन पर बात करता हूँ, लोग अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात करते हैं, लोग अपनी बिजनेस मीटिंग करते हैं फोन पर, अपने इंप्लॉयज से बात करते हैं, अपनी प्राइवेसी अपने एडवोकेट से बात करते हैं, तो वो सारी चीज आपके पास स्टोर रहे हैं। तो वो जो फंडामेंटल राइट जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल राइट है राइट टू प्राइवेसी, उसका क्या, उसके लिए आपके पास क्या विकल्प है, वो कैसे सेफ रहेगा, उसका कोई आप कोई बता नहीं रहे रास्ता, और आप कह रहे हो नहीं फर्स्ट ओरिजिनेटर चाहिए हमको, कैसे मिलेगा फर्स्ट ओरिजिनेटर? अभिषेक जी जो एक जिक्र आ रहा है बार बार कि मीडिया मैनिपुलेशन, यानी कि कोई भी अगर फोटो है या फिर कोई मैसेज है उसको मैनिपुलेट कर दिया जा रहा है और अपने हिसाब से जो यूजर या फिर जो भी उसको पोस्ट करने जा रहा है उसकी जो मानसिकता है वो अपने आधार पर उस चीज को बदल कर और सोशल मीडिया पर फैलाए दे रहा है, तो ऐसे में ये चीज क्या किसी कानून के अंतर्गत आती है, और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो क्या उसके ऊपर सजा होती है, अगर आप जानकारी दे पाए? देखिए दो तरीके की बात है, एक अभिव्यक्ति की बात है,
मुझे मैं जैसे अभी दिलीप जी ने कहा ना कि कोविड व्यवस्था से मेरी मैं डिसएग्री था और मैं अपनी बात कह रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैं बता तो रहा हूँ, एक एक लड़के ने अपनी सिर्फ ये ट्वीट फेसबुक पर डाला कि मेरे पिताजी को ऑक्सीजन की जरूरत है, पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। कौन सा कानून इससे हर्ट हो रहा है, कौन सा देशद्रोह हो गया, कौन सी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। मुझे जरूरत है डोनर की, प्लाज्मा की जरूरत है, मैं चिल्ला रहा हूँ कि मुझे प्लाज्मा नहीं मिल रहा है। मुझे मेरे दोस्त भाई फेसबुक पर एक ग्रुप बना हुआ है, 250 लोग जुड़े हुए हैं, मैंने एक ग्रुप डाल दी मुझे खून की जरूरत है, 250 लोगों को एक साथ पहुंच गया। हो सकता है कोई दो चार लोग उसमें हो जो मेरी मदद करने वाले हैं। एक आदमी ने ऑक्सीजन फेसबुक पर डाला, हजारों लोग इस प्लेटफॉर्म पर है, हो सकता है कि कोई हो जिसके पास अवेलेबल हो वो आपको बता सके कि हाँ भैया है आओ ले जाओ, क्या इसमें इलीगल है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं में कोई समस्या नहीं है, अगर कोई दंगा फसाद होने की पोजीशन नहीं है, अगर शांति व्यवस्था भंग होने की कोई पोजीशन नहीं है, तो किस तरह का वो। और अगर इस तरह की व्यवस्था है तो उसके लिए आपने आईटी सेल ऑलरेडी बढ़ा रखा है, साइबर क्राइम आपका आपके वगैरह थाने हैं हर बड़े शहरों में है, उसको आप और चाहे तो बढ़ा सकते हैं, साइबर क्राइम फोर्स बना सकते हैं आप पूरी, जो वास्तव में आज की तारीख में जरूरत भी है। इसके अलावा अगर किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी है, किसी की व्यक्तिगत मानहानि है, तो उसके लिए भी आईपीसी में ऑलरेडी प्रोविजन है। आप चाहे तो अपनी मानहान का दावा, उसका सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसिक्यूशन है, आप चाहे तो मानहान के लिए कंपनसेशन भी मांग सकते हैं और साथ साथ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी कर सकते हैं उस आदमी के खिलाफ। तो लॉ तो ऑलरेडी रेमेडी सारी जगह ओपन है। अगर मेरे मेरे मेरी बात को लेकर मान लीजिए कोई आप कोई सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ कुछ चला रहे हैं जो गलत है, गलत तरीके रूमर है या मैनुपुलेट, अच्छा एक बात आपने कही मीडिया मैनुपुलेशन, तो मीडिया मैनुपुलेशन या जो है ये आम मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो करना नहीं जाएगा, इसके लिए तो क्वालिटियों ने अपनी आईटी सेल बना रखी है, सबसे बड़ी सेल तो आपकी है, सत्ता सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की खुद की आईटी सेल बनी हुई है, राजनीतिक दलों की कांग्रेस की अपनी बनी हुई है, आप चाहिए तो उसको बंद कर दीजिए, खुद की बंद कर दीजिए, राजनीतिक दल नहीं बनाएगा। ये बिल्कुल सही बात है यशवर्धन जी। देखिए सबसे ज्यादा मैनुपुलेशन जो होता है वो राजनीतिक दल के जो खुद के आईटी सेल हैं वो सबसे ज्यादा करते हैं और उसमें बहुत सारी झूठी खबरें भी फैलाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक चल रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने एम्स बना दिए, बना नहीं दिया, अभी घोषणा की गई है, आधों पर काम चल रहा है, कुछ कुछ परसेंट काम हुआ है, लेकिन यहां चलाया जा रहा है कि हो गई है। तो ऐसे में इन लोगों पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी तो उसके दायरे में आएंगे फिर, तो जब कार्रवाई होगी तो इन पर भी होगी। हाँ देखिए देखिए जो जिस सब्जेक्ट पर आप बात कर रहे हैं ये सब्जेक्ट साइबर क्राइम में कहलाता है और साइबर क्राइम करने वाला कोई भी हो उसके ऊपर इसके इस एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है, वो चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, चाहे वो बीजेपी की मीडिया सेल का हो, चाहे वो कहीं का भी हो। अगर सरकार और कानून फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी तो जो भी सोर्स होगा, जो सोर्स इस फेक न्यूज को स्प्रेड कर रहा होगा, जहां से शुरू हुई होगी और जिन जिन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया होगा, उन सब के ऊपर साइबर क्राइम में की विभिन्न धाराओं में प्रोसिक्यूशन हो जाएगा और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में प्रोसिक्यूशन। लेकिन सरकार यही तो कह रही है कि ट्विटर हमको वो आदमी बताए जिसने सबसे पहले पोस्ट किया, सबसे पहले हम उसको पकड़ेंगे। हाँ देखिये जब तक आप सोर्स, जब तक आप क्राइम करने वाले को नहीं पकड़ेंगे तो आप सजा किसको देंगे, किसके अगेंस्ट में कार्रवाई करेंगे? नहीं वही चीज है, तो किसी आदमी ने शेयर कर दिया आपका पोस्ट तो फिर मान लीजिए उसको सही गलत का अंदाजा नहीं है, उसने सोशल मीडिया पर कोई लिखा हुआ कहीं से भी चीजें पाई और उसको शेयर कर दिया, तो हम शेयर करने वाले को पकड़ेंगे या फिर उस मेन आदमी को जिसने पहली बार पोस्ट किया है हम उसको पकड़ेंगे साफ तौर से। तो ऐसे में ये जानकारी तो रखनी पड़ेगी, वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या फिर जो भी सोशल मीडिया है उनको, कि आखिरकार कौन व्यक्ति है जिसने पहली बार ये किया और कानूनी तौर पर उसको सजा मिलनी चाहिए। तो ऐसे अगर देखें, इस नजरिए से देखें तो सरकार सही कह रही है फिर तो। नहीं हिमांशु जी, जो शेयर आप करते हैं उस शेयर करने के लिए उसका ऑथेंटिकेशन चेक करना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये पता है कि जो आप शेयर करने जा रहे हैं वो जेन्युइन है, रिलायबल सोर्स के थ्रू है, तो आप उसको शेयर करें। अगर आप बिना जानकारी लिए किसी भी चीज को शेयर कर देते हैं तो यहाँ पर कानूनी रूप से जिम्मेदारी आपकी है और आप फेक न्यूज स्प्रेडर माने जाएंगे और साइबर एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में साइबर क्राइम करने वाले आप माने जाएंगे, क्योंकि ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आप जैसे मान लीजिए आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या कि जो बात आप कहना चाहते हैं या आप किसी के लिए कहना चाहते हैं, तो आप अपने लिए कहना चाहते हैं तब तो आपको सारी बातें पता होनी ही चाहिए, और अगर आप किसी के लिए कहना चाहते हैं तो वो कौन व्यक्ति है,
जिसके लिए आप कहना चाह रहे हैं, तो व्यक्ति आपको पता होना चाहिए, और जो वो कहना चाह रहा है, जिस बात को आप आगे बढ़ा रहे हैं, वो बात जेन्युइन है कि नहीं है, लॉ के परव्यू में आती है कि नहीं आती है, उस बात को आगे बढ़ जाने से कोई पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट होगा कि नहीं होगा, उसका कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये देखना आपकी जिम्मेदारी। यहाँ पर यशवर्धन जी, कि सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिख दे, जैसे मैं आज अगर चाहूं सरकार से मैं खफा हूं, तो मैं सोशल मीडिया पर कुछ भी अपशब्द अगर सरकार के खिलाफ लिख दूं, तो क्या वो ऑफिशियल माना जाएगा? क्योंकि सोशल मीडिया पर लिख देना, आप लिख रहे हैं, लिख आप नाराज हैं, आपने कहा कि भाई मुझे मेडिकल सुविधाएं नहीं मिली, मैं सरकार से नाराज हूं, सरकार गलत कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, पब्लिक को चीट कर रही है, ठीक। तो आपने जिस बेस पे कहा, आप उस बात को प्रूफ करेंगे, साहब मैं अस्पताल गया, ये मेरे पास प्रूफ है, मुझे इलाज नहीं मिले, मेरा आदमी मर गया, यहाँ आप सही हैं, आप अपनी बात को लिख सकते हैं, आप उस बात की जेन्युइनिटी को प्रूफ कर देंगे। लेकिन मान लीजिए मैंने लिखा कि मेरे घर का कोई आदमी मर गया, मुझे मेडिकल सुविधाएं नहीं मिली, और आपने मेरी पोस्ट को पढ़ के बिना मुझसे जाने, बिना मुझसे पूछे, या बिना मुझसे ये पूछे कि इसका सोर्स है कि नहीं है, इसके एविडेंस है कि नहीं है, आपने उस बात को आगे बढ़ा दिया, तो यहां पर आपकी जिम्मेदारी आएगी कि आप फेक न्यूज को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर मेरी न्यूज फेक हुई तो, अगर मेरी न्यूज सही हुई तब तो आप भी गलत नहीं माने जाएंगे, अगर मैंने गलत किया होगा तो फिर आप भी सब्सिक्वेंटली गलत माने जाएंगे। जैसे ये हुआ कि एक न्यूज चैनल को लेकर, जब उनके संपादक को लेकर केस चल रहा था, तो यहाँ पर जो अदालत थी उसने ये कहा कि अगर आपको पसंद नहीं है उनके विचार या फिर उनकी बातें, तो उसको मत देखिए। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर अगर हमें कोई व्यक्ति नहीं पसंद है, ट्विटर पर हमको कोई व्यक्ति नहीं पसंद है, तो हम उसके ट्वीट ना देखें, हम उसकी बात ना सुने, हम क्यों देखते हैं? फिर तो ये पूरा सॉल्यूशन ही निकल गया ना। हिमांशु जी, आप हिमांशु जी, आप दो अलग बातें कह रहे हैं। आपने एक कहा कि भाई फलाना चैनल किसी की बात कर रहा है, मुझे पसंद आए देखूं, मैं पसंद ना देखूं, ठीक है, वो चैनल अपनी बात कर रहा है, आप दो अलग बातें कर रहे हैं, दो अलग अलग तरह की बातें। एक मेरे अपने विचार हैं, बड़े परिप्रेक्ष्य में टीवी की बात हो रही है, यहाँ पर मैं एक सोशल मीडिया पर एक छोटे से अकाउंट की बात कर रहा हूँ, दोनों को लेकिन समझिए, तो दोनों में बात तो अपनी ही रखी जा रही है, तो ऐसे में जिसको पसंद है वो देखे, नहीं पसंद है तो ना देखे, क्या फर्क पड़ता है? हिमांशु जी, मैं अपनी बात को रखूं, मैं अपनी बात को जानता हूं, मैं अपनी बात को रखने का पूरा अधिकारी हूं, लेकिन अगर आप मेरी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको मेरी बात को आगे बढ़ाने से पहले ये इस्टेब्लिश करना होगा कि मैं सही हूं कि नहीं हूं। यहां दोनों चीजों में फर्क है। आप अपनी किसी भी बात को कह सकते हैं, उसके लिए आपको पूर्ण आजादी है, आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन अगर आप मेरी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और वो बात जेन्युइन नहीं है, तो आप भी उसके भागीदार माने जाएंगे। जैसे कि अभिषेक जी, अभी कुछ दिन पहले चला कि गंगा में लाशें तैर रही हैं, ये कहा गया, और उसके बाद तमाम तरह की तस्वीरें भी सामने आई, कुछ लोगों ने कहा कि ये फेक तस्वीरें, सरकार ने कहना शुरू किया कि ये सारी फेक तस्वीरें हैं, एक एक्ट्रेसेस थी वो तो बता रही थी, पता नहीं कहाँ की तस्वीरें हैं, ये भारत की तस्वीरें हैं ही नहीं। तो ऐसे में ये प्रूफ करना कि ये तस्वीर सही है या नहीं है, आम आदमी कैसे इस चीज़ को समझ पाएगा, देख पाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर चीज़ें तो बड़ी जल्दी फैल जाती हैं, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है, कितना वो सही है गलत है, ये जान पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है आज की तारीख में। तो कैसे इस चीज़ को समझेगी आम जनता, का कितना रोल समझ रहे हैं इसमें? देखिए, किसी के ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करने से पहले या किसी को कानूनी रूप से उसका जिम्मेदार ठहराने के पहले आपको दो चीजें, एक चीज एस्टेब्लिश करनी होती है कि उसने अगर कोई अपराध किया है तो उसका इंटेंशन था वो अपराध करने के लिए, क्योंकि कानून में दो चीजें हैं, एक इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट तो एक्सक्यूजेबल है, आप कोई कहिए कि इस तथ्य की मुझे जानकारी नहीं थी इसलिए ऐसा हो गया, आप बच सकते हैं, कानून आपको माफ कर सकता है, लेकिन आप कहिए कि इस कानून की मुझे जानकारी नहीं थी इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, ये माफ नहीं है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं है। सवाल यह है कि आप जैसे दिलीप यशवर्धन जी कह रहे थे ना, दिलीप जी अभी एक पोस्ट अपनी फेसबुक पर डाले कि मेरे परिवार को चिकित्सीय सहायता नहीं मिली, और इस तरह सरकारी व्यवस्था में इस तरह की बातें कही जा रही हैं, मुझे डॉक्टर नहीं मिला, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिला, मुझे रेमडेसिविर नहीं मिली, ऐसी कोई बात लिखी उसको मैंने फॉरवर्ड कर दिया, तो मैंने समझता कि इसमें कोई राष्ट्रद्रोह है। जो आदमी फॉरवर्ड करता है उसको उसके कंटेंट को समझने की जरूरत होती है, ये कहकर के आप नहीं बच जाएंगे कि मैं एक गांव का आदमी हूं, मैं अब आठवीं का स्टूडेंट हूं, मुझे कानून नहीं पता इसलिए मैंने फॉरवर्ड कर दिया और आप बच जाएंगे। लेकिन कंटेंट की सीरियसनेस को समझना ये आपका दायित्व है। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, आप कोई चीज चला रहे हैं, आप कोई ऐसी चीज फॉरवर्ड कर रहे हैं जिससे कल को रॉयट्स हो सकता है, हिंदू मुसलमान दंगे हो सकते हैं, आप कोई ऐसी चीज फॉरवर्ड कर रहे हैं जिससे इस देश की सुरक्षा पर खतरा है, आप कोई ऐसी चीज फॉरवर्ड कर रहे हैं जो इस देश की सीक्रेसी को लीक कर रहा है, तो बेशक आप उसके जिम्मेदार है, और इंडिविजुअल किसी ने भी फॉरवर्ड किया हो, आप किसी का भी उठा के आपने फॉरवर्ड किया है, आप रिस्पॉन्सिबल है।
लेकिन किसी की इंडिविजुअल प्रॉब्लम को, किसी की इंडिविजुअल दर्द को अगर आपने फॉरवर्ड कर दिया है तो ये आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये वो पर्टिकुलर पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल है जिसने ओरिजिनेट किया है। यही पर ओरिजिनेटर की बात आती है। अब जैसे मैं दिल्ली का जिक्र करूं, शुरुआती दौर में जब कोरोना आ रहा था उससे पहले दिल्ली में दंगे भी, जब यहां पर ट्रंप साहब का कार्यक्रम भी चल रहा था उस दौरान दिल्ली में दंगे भी हुए, और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर खड़े होकर जिस बात का जिक्र किया उसको लेकर बड़ी चर्चा हुई, जो पहले आम आदमी पार्टी में भी थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर एक पुलिसकर्मी के सामने, जिम्मेदार पुलिसकर्मी के सामने इस बात का जिक्र किया साफ तौर से कि आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे, तमाम तरह की बातें की। उसके बाद सोशल मीडिया पर उनका बयान बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ, उसके बाद दिल्ली में दंगे भी हुए, लेकिन आज तक उनसे ना सवाल पूछा गया ना उनको जवाबदेह ठहराया गया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसी वजह से हुए कि इन्होंने भड़काया है सारी चीजों को, तो इसको लेकर जवाबदेह कौन है? देखिए, इसको लेकर के जवाबदेही की तो बात ही नहीं, जिसको पूछना चाहिए था उससे पूछा और पूछने की सजा दी गई उसको। हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज ने कहा कि आखिर इस व्यक्ति के ऊपर FIR क्यों नहीं हुई। हाँ, इतना बड़ा दंगा हो गया, इतनी बड़ी चीजें हो गई, आप एक पर्टिकुलर पार्टी के एक आदमी को लेकर कहते हैं सारा दोष उसका है, ठीक है उसका है, उसको उसके खिलाफ जो करना कीजिए, लेकिन ये जो जो खुलेआम आ रहे हैं, जिसकी वीडियो साफ साफ आ रही है, जो सोशल मीडिया खुद कह रहे हैं और एक 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 सीनियर पुलिस ऑफिसर से कह रहे हैं कि आप रोक लीजिए वरना मैं खुद इसको देख लूंगा, अगर आपसे नहीं बता दूंगा तो मैं कर लूंगा, अपने रोक दूंगा, वो कौन है रोक देंगे, कौन थे वो? ये दंगा रोकना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये ब्यूरोक्रेसी का काम है, ये पॉलिटिशियंस का काम नहीं है। पॉलिटिशियन का काम है अगर ब्यूरोक्रेट कुछ गलत कर रहा है तो उस बात को सदन में उठाना, जनता के बीच उठाना और सरकार के पास उसकी बात रखना और सरकार से कार्रवाई कराना। और जिस इस बात को एक संवैधानिक संस्था के एक जज ने उठाया, उसने प्रश्न किया दिल्ली की पुलिस से, और जब प्रश्न किया तो क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। रात नहीं बीती, 24 घंटा नहीं पूरा, रात के 12 बजे इतिहास पहली बार किसी एक सिटिंग जज का ट्रांसफर आपके 12 बजे ऑर्डर पास किया गया है और कागज इमीडिएट आप छोड़ दीजिए। आज जनरली अगर उसको लेकर ये भी कहा गया कि पहले से ऑर्डर था, खैर ये अलग की बात है, बहुत कुछ होती है, लेकिन वो क्रोनोलॉजी वाली बात आती है ना, फिर क्रोनोलॉजी तो देखी जाएगी ना, वो तो देख वो टाइमिंग क्या है और क्यों उसी टाइमिंग, ये सारे चीजें इत्तेफाकी आप ही इन्हीं के साथ क्यों होते हैं, जहां इन्हीं का इंटरेस्ट पता वहीं पर सारे इत्तेफाक क्यों हो जाते हैं, ये क्रोनोलॉजी पर सवाल जनता उठाएगी जरूरत पड़े। ठीक है दिलीप जी, देखिए तमाम तरह के उदाहरण भी हैं हमारे सामने, लेकिन यहाँ पर सवाल साफ तौर से आम जनता का है। आम जनता इस वक्त क्या महसूस कर रही है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या फेसबुक कल को बंद हो जाएगा, व्हाट्सएप कल को बंद हो जाएगा, क्या जो अन्य सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं क्या उन पर शिकंजा कसा जाएगा, आम आदमी की क्या निगरानी होगी उस पर, उनके मैसेजेस कितने सुरक्षित हैं, उनकी जानकारी जो प्राइवेसी है वो कितनी सुरक्षित है, इसको लेकर चर्चा हो रही है, आम जनता के मन में बड़े सवाल हैं इसको लेकर, तो उन सवालों को कैसे शांत किया जाएगा? सरकार को एक भरोसा तो देना होगा आम जनता को, और ये जो कंपनियां हैं इनको भी देना होगा। हिमांशु जी, पहली बात जो मेरी अपनी राय है कि सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म बंद नहीं होगा, हो नहीं सकता है, क्योंकि सरकार भी नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार भी आज पूरा का पूरा सोशल मीडिया पे ही बेस कर रही है, और अगर आप वर्तमान सरकार की बात कर लीजिए तो वो 100% सोशल मीडिया पे ही डिपेंड कर रही है, सारी चीजें उसकी सोशल मीडिया के थ्रू ही स्प्रेड हो रही है, तो सोशल मीडिया बंद तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सोशल मीडिया पर जो अभिव्यक्ति की आजादी का सहारा लेकर के बहुत सारा न्यूसेंस क्रिएट किया जाता है वो वाइस वर्सा है, किसी की तरफ से, सरकार की तरफ से हो, चाहे विपक्ष की तरफ से हो, चाहे आम जनता की तरफ से हो, चाहे विरोधियों की तरफ से हो, किसी की तरफ से भी हो, उसका खामियाजा हमेशा आम जनता को भुगतना पड़ता है। तो आम जनता की सेफ्टी के लिए ये जरूरी है कि सिक्योरिटी चेक्स लगाए जाए, फेक न्यूज को रोका जाए, फेक न्यूज स्प्रेड होने से रुके, लोगों के दिमाग में भ्रम फैलने से रुके। सोशल मीडिया का उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं था, सोशल मीडिया का उद्देश्य ये था कि न्यूज जल्दी से जल्दी और जानकारियां लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, लेकिन जानकारियों का मतलब ये नहीं कि ऐसी जानकारी जो उनको भ्रमित कर दे, उनको उत्साहित कर दे, उनको झगड़ा करने के लिए प्रेरित कर दे, ऐसी जानकारियों को वैलिड जानकारियां नहीं माना जा सकता है, और इन चीजों पे कर्व लगना चाहिए। और रही बात, मैं फिर अपनी ये कह रहा हूं कि जो अभिव्यक्ति की आजादी है, उस अभिव्यक्ति की आजादी को जेन्युइन तरीके से कहने के लिए कहीं कोई रोक नहीं है, सरकार ने रोक लगानी चाहिए थी, अभी पिछले ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने ऑर्डर भी किया था, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया पर मदद मांगने के लिए एक आदमी पर FIR कर दी थी, तो हाई कोर्ट ने बहुत तेज उस पर डांटा उनको कि ये कैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि आदमी सोशल मीडिया पर मदद मांग रहा है, तो ये कहां से गलत हो गया।
तो इस तरह के जो सरकार के कृत्य होते हैं वो जाहिर सी बात है कि सरकार का फ्रस्ट्रेशन दिखता है कि सरकार सब पब्लिक को सर्व नहीं कर पा रही है, पब्लिक जेन्युइन बातों को कह रही है तो उसको रोक दिया जाए। सरकार इसको रोक नहीं पाएगी और ऐसा रोकना चाहिए भी नहीं और ये कानून के दायरे में आते भी नहीं। मुझे अपनी जेन्युइन बात कहने का पूरा हक है और मैं कहूंगा, चाहे मैं सोशल मीडिया पर लिख के कहूं, चाहे मैं उस पर बोल के कहूं, चाहे किसी तरीके से कहूं, चाहे वो बात सरकार के खिलाफ ही क्यों ना। ठीक है अभिषेक जी, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा कि पारदर्शिता होनी बहुत जरूरी है। कोई भी कानून बनता है उसके तहत अगर कोई भी वो सरकार में बैठा व्यक्ति हो या फिर कोई आम गरीब आदमी हो, हर किसी के लिए कानून एक होना चाहिए और एक कानून के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई सच बोले तो उस पर कार्रवाई हो, कोई हमारे पास बैठा हो, हमारे साथ बैठा हो, झूठ फैला रहा हो कितना भी, उस पर कार्रवाई ना हो। हर किसी पर बराबर तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और सबके लिए लॉ एक होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भारत में तो खासकर ऐसा नहीं है, तमाम चीजों को लेकर तमाम उदाहरण पेश हैं। नहीं देखिए, उसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जो कानून का इंप्लीमेंट करने वाली जो एजेंसियां हैं या जो सत्ता है जिसके अंडर में ये इंप्लीमेंट एजेंसियां हैं, देखिए दो चीजें मैं कई बार पहले भी कई डिबेट्स में कह चुका हूं कि सिर्फ कहने के लिए है कि संविधान के तीन अंक है, जो ब्यूरोक्रेसी है, लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है। समस्या ये है कि एग्जीक्यूटिव जो पूरी तरह से कंट्रोल में है लेजिस्लेचर के, जब तक एग्जीक्यूटिव को फ्री नहीं करेंगे लेजिस्लेचर से तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग जो है वो इंटरेस्ट देखते हैं। अगर कंगना रनावत जी का कोई ट्वीट है तो वो ठीक है, जस्टिफाइड है। संबित पात्रा जी का ट्वीट है, संदीप पात्रा जी कुछ कर रहे हैं तो वो जस्टिफाइड है। कपिल मिश्रा जी कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता कर रहा है तो बहुत गड़बड़ है। या कोई आम आदमी कर रहा है जो आपके विचारों या आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है तो वो गलत हो जाता है। तो सवाल ये है कि जब इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसियां बायस होकर काम करेंगी तो इस तरह की पोजिशन होगी। अदरवाइज कानून तो वास्तव में एक है, आज भी एक सबके लिए एक है। कानून किस कानून में जो जो किताबें हैं, जो लिखा गया उसमें कहीं डिफरेंशिएट नहीं किया गया है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को छोड़ करके, लेकिन इंप्लीमेंटिंग एजेंसियां तो डिफरेंशिएट करती है ना, वो तो बायस होकर काम कर रही है। तो अब वो किसी के प्रेशर में है, बिल्कुल। तो जब जब तक ये प्रेशर नहीं खत्म होगा, जब तक आपके अंदर खुद के अंदर एक मॉरलिटी नहीं जगेगी कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये बायस एक तरफा काम नहीं चलेगा, चलेगा तो दोनों तरफा चलेगा। जब इस हद तक आप चले जाएंगे कि आपके कार्यकर्ता के ऊपर कोई टिप्पणी एक संवैधानिक व्यवस्था करेगी तो आप उसका ट्रांसफर कर देंगे उससे, तो कौन करेगा। नहीं बिल्कुल सही बात है, कानून सबके लिए एक होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, दिलीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर हम जब फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम आम आदमी का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि खास अगर कुछ भी सही या गलत कुछ भी कहता है तो वो अपने तौर पर जस्टिफाई कर लेता है चीजों को, लेकिन इस बीच अगर कोई सही बात रखता है उसको पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, उस पर कार्रवाई की जाती है, दबाव बनाया जाता है, तो ये दबाव ना बने, हर व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए आजाद हो, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही, नमस्कार।